Hello and welcome to this special show, Humble Beginnings and Big Dreams, a show where we bring to you success stories of future doctors of the country. On the program today, we introduce you to the success, to the struggle, the determination and the dreams of four NEET candidates, all from extremely humble means. These students, all from government schools, from UP, Haryana, Rajasthan, now join us on the program and are going to be talking to us about their dreams of becoming the COVID warriors or doctors warriors or medical warriors in the country. I'm extremely happy to be joined on the program today by Saina, also by Arvind, by Anil Kumar and by Safina. Anil, I'll come to you first. Your story has extremely been a point one. It's something that has touched so many of us. Just for the benefit of our viewers, Anil, main apne darshakon ko bhi batana chahungi ki aapke parents ek farm pe kaam karte hain. Aapne ek hostel mein rehkar apne kuch uncle wagaira se support lekar apni padhai kari medicine ki. और फाइनली क्रैक किया ये बहुत ही डिफ़िकल्ट नीट का जो एग्ज़ाम होता है. ये पूरा सफ़र, ये पूरी जर्नी कैसे रही है, हमें बताइए. जर्नी काफ़ी स्ट्रगल से भरी हुई थी. मतलब आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वो कोटा में पढ़ा सके हमें. बट फिर भी घर वालों ने इधर, मम्मी ने तो इधर फॉर्म में ऐसे मैनेज किया और मेरी मौसी जो थी उन्होंने कोटा एज ए हॉस्टल में एज ए वार्डन के रूप में काम कर उधर आर्थिक तंगी को मैनेज किया. तो ये काफी उनका काफी बड़ा रोल था मौसी का कि वो हॉस्टल में रहकर उधर उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया 4 साल तक. अनिल, अब आपकी ऑडियो लाइन ना थोड़ी ठीक नहीं आ रही है, हम उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे. तब तक मैं साइना के पास जाना चाहूंगी. नाउ साइना इज अनदर एक्सट्रीमली पॉइंट स्टोरी. शी इज समबॉडी who lives in a village just about 12 kilometers away from Mahindergarh town in Haryana. She comes from there and her father is also a farmer. She went to an institute, tried to get education from there and now joins us on the program. Cracked the NEET examination, was the 568th rank from the OBC category. साइना जो हरियाणा से दूसरी साइना है जिनके बारे में हम जानते हैं, क्या उनसे इंस्पिरेशन लिया आपने अपना ड्रीम फॉलो करने के लिए? कैसा रहा ये जर्नी पूरा, हमें बताइए. मैम, जिसकी बहुत मैं थोड़ा डिस्टेंस से आती थी तो मैंने वीक में 4 दिन क्लासेस लगती है हमारे आकाश में यहाँ. तो पहले जिसकी मॉर्निंग में मतलब करीबन 1 घंटा लग जाता था हमें यहाँ आने में, फिर क्लास लेती एंड शाम को जाती थी. शाम को अराउंड 9-9 बज जाते थे, तब तक मैं घर पहुंचती थी. और आना जाना कैसे होता था? बाय बस, रोडवेज. और यहाँ पर मुझे बताइए कि आपके घर पे कौन कौन है, सब क्या करते हैं, और जब घर में एक डॉक्टर अब आ गया है तो उनका क्या फीलिंग है? My father is a farmer and my mother is a housewife. मेरा भाई BSc कर रहा है BU से, और एक मेरा छोटा भाई है वो 8th क्लास में है, महेंद्रगढ़ में पढ़ता है. तो सबकी पढ़ाई अच्छे से चल रही है. जी, क्या क्यों बनना चाहती हैं आप डॉक्टर? मेजरली मैं AFMC में जाना चाहती हूँ फॉर डिफेंस थ्रू मेडिकल लाइन. सो मैंने इसीलिए मतलब मेडिकल के थ्रू जाना चाहती हूँ AFMC में, डिफेंस में, ताकि नेशन को सर्व कर सकूं. और क्या ये आपका पहला अटेम्प्ट था? नो, सेकंड. सेकंड अटेम्प्ट है. ओके, सेकंड टाइम लकी देन. साइना, आई एम आल्सो जॉइंड बाय सफीना जहरा. शी इज फ्रॉम जौनपुर इन UP. सफीना, हेलो, कैसी हैं आप? हमें बताएं कि कैसी चल रही है जर्नी अभी तक, जो नीट एग्जामिनेशन आपने अभी पास कर लिया है, आगे की एक्सपेक्टेशंस क्या है, घर पे सबके कैसे रिएक्शंस रहे हैं? जी मैम, सब बहुत खुश हैं और
आगे हमें एमडी बनना है और एज अ टीचर हमारा गोल है डॉक्टर्स हाँ के टीचर बनना। अच्छा, तो ये भी डिसाइड कर लिया आपने अभी से कि आपको डॉक्टर्स के टीचर बनना है, सारा प्लानिंग हो गया है। जी। अच्छा, कैसे करी तैयारी इस बार के जो एग्जामिनेशंस हैं? दे वर लाइक नो अदर, राइट? पहली बार एक पैंडेमिक के बीच में सारी पढ़ाई हो रही थी, सारी तैयारियां हो रही थी, एग्जामिनेशन भी पैंडेमिक के बीच में हुआ। कितना इफेक्ट पड़ा उसका आपकी तैयारी में, एग्जामिनेशन देने में? जी, उसका तो बहुत इफेक्ट था। लॉकडाउन से पहले हम लोग की तैयारी बहुत अच्छी चल रही थी। बेसिकली हम बहुत ज़्यादा पढ़ते थे और अच्छे मार्क्स बहुत एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन लॉकडाउन के बाद थोड़ी प्रॉब्लम हो गई क्योंकि हमें घर पे आना पड़ा और उसकी वजह से इतना अच्छा माहौल नहीं मिल पाता जैसे हॉस्टल में होता है। उसकी वजह से काफ़ी कम टाइम मिला स्टडीज पे, इसलिए थोड़े नंबर्स भी घट गए। अच्छा, तो आपको लगा कि थोड़ा घर पे काम बढ़ गया, इसकी वजह से पढ़ाई पे कम ध्यान दे पाए? नहीं, काम मीन्स काम नहीं था, ऐसे कोई हाउस होल्ड काम नहीं, लेकिन तब भी मतलब जैसे फैमिली के अंदर वो माहौल नहीं मिलता, इन्वायरमेंट। हॉस्टल में रहते हैं तो सिर्फ पढ़ना और कोई काम नहीं रहता पढ़ने के अलावा हॉस्टल में, अच्छा, सफीना, मुझे बताया और गया सबका रूम है अपना कि सेपरेट रहता है, किसी से मतलब नहीं, बात नहीं। जी मुझे बताया गया है कि आपके ट्यूटर्स को मंथली इंस्टॉलमेंट में फीस दी जाती थी, क्योंकि थोड़ा स्ट्रगल जी, था वो पूरा हमारे करने कोचिंग वाले में। काफी सपोर्ट मुझे करे। बताएं किन लोगों ने सपोर्ट किया, कैसे फाइनली आपका ये ड्रीम अब जब ट्रू होके आया है, तो अभी सबके क्या रिएक्शंस हैं? जी, सबसे पहले मेरे अंकल सपोर्ट करे सबसे ज्यादा, उन्होंने हमें इंट्रोड्यूस किया था मेरी कोचिंग से, और कोचिंग वाले बहुत अच्छे थे, वो मेंटली और इकोनॉमिकली दोनों सपोर्ट करे। वो इंस्टॉलमेंट में लेते थे मंथली फीस और बहुत अच्छी पढ़ाते थे, और मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे, और सब मतलब फैमिली में काफी लोग सब सपोर्टिव थे। ऑल राइट, लेट मी ऑल्सो गो बैक टू अनिल एट दिस पॉइंट। अनिल, आप बताएं आपकी ड्रीम्स पहली बार जहन में कब आया कि डॉक्टर बनना है, तैयारी करनी है और कुछ अपनी फैमिली से अलग हटके एक नाम कमाना है? मैम, जैसे कि मैं जब 11th में एडमिशन जो चूज करना होता है कि आपको साइंस में लेना है, कॉमर्स या आर्ट्स, तब मतलब मैंने अपने भैया से इंस्पायर हुआ कि मतलब वो भी इसी फील्ड में है, तो उनसे मुझे काफ़ी इंस्पिरेशन मिली, उनसे गाइडेंस मिली मैंने कि इस फील्ड में आगे क्या है। तो मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप ये लोगों की सेवा करने का और अपने जो गरीब तबका है उसको ऊपर उठाने का सबसे अच्छा साधन है डॉक्टरी। तो आपके घर में अब हाँ, दो डॉक्टर्स होने वाले हैं? एक मेरे बड़े भैया हैं जो कि फाइनल ईयर में इस बार, हाँ, अरे आपके पेरेंट्स तो तो बहुत ही खुश होंगे। वो हाँ क्या बहुत करते हैं खुश है। मुझे बताइए। पापा जी किसान है, वो मम्मी हाउसवाइफ है, भी काम। तो क्या आपको और बचपन से पता था कि आपको ये करना है? पेरेंट्स ने पुश किया इस डायरेक्शन में? कैसे हुआ ये ड्रीम रियलाइज? बचपन से तो मेरे को नहीं आइडिया था कि मैं डॉक्टर बनूंगा, बट एक तो पेरेंट्स का भी ड्रीम था कि हमारा बच्चे डॉक्टर ही बने, तो उन्हीं के गाइडलाइन पर हम आगे गए। और हमारे आसपास मतलब इतना है भी नहीं कि जो डेवलप नहीं है मेडिकल फैसिलिटीज वगैरह, तो वो भी एक काफी ज्यादा इंस्पायरिंग रहा कि हम भी कुछ करें अपने शहर के लिए। अच्छा, तो आप कितना दूर रहते हैं, आप कहाँ रहते हैं मुझे बताइए अनिल, और कितना दूर है आपके सेंटर से, कितना जाना पड़ता था वहां पर पढ़ाई करने के लिए या इवन एग्जामिनेशन देने के लिए? जैसे कि मैं यहाँ से तो झुंझुनू शहर से मैं कोटा गया था पढ़ने के लिए, तो और फिर कोटा में तो थोड़ा पास में था, मतलब जो बिल्डिंग्स थी जहाँ से मैं मेरे हॉस्टल से, तो वो तो कोई ज्यादा नहीं, और तो मैं साइकिल से जाता था मोस्टली, वो था। अच्छा, लेट मी गो बैक टू साइना हियर। साइना, अब जब आपका आप इस पाथ पर आ गई हैं कि आपकी ड्रीम टू बिकम अ डॉक्टर रियलाइज होने वाली है, तो क्या करना चाहती हैं आगे? हाउ वुड यू लाइक टू सी योर सेल्फ? वॉट काइंड ऑफ डॉक्टर डू यू थिंक यू विल बिकम? फर्स्ट ऑफ ऑल, मुझे जिसकी स्टार्टिंग में ऐसा कोई आइडिया नहीं था कि मैं डॉक्टर बनूंगी, इवन 11th तक, टिल 11th मुझे कोई मतलब इतना वो नहीं था, लाइक मुझे स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट था। देन मैंने 12th में आकाश ज्वाइन करा, वो भी मेरी मम्मी ने कहा था, लाइक
मेरी मतलब मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं है मम्मी खुद पे के जितना कहने मेरी पर मम्मी डॉक्टर को बन है रही हैं आप? या मेनली। ओके ऑलराइट, हाँ प्लीज बताइए अपनी बात आप जो कह रही थी। हाँ तो मुझे जिसकी स्पोर्ट्स में ही जाना था, मेरा मतलब शुरू से इतना इंटरेस्ट नहीं था, जिसकी पढ़ाई करती थी बट मैं नॉर्मली इतना नहीं पढ़ती थी। फिर मम्मी तो यूँ सोच रही थी कि भाई 11th 12th तो कर ले, बट फिर 12th के बाद मतलब ड्रॉप लेके कोचिंग ले लेना। बट फिर मैंने हमारे स्कूल में मैंने बच्चों को देखा, सूरज स्कूल में बच्चों को देखा, भैया काश ज्वाइन कर रहे हैं। हमारी साइड ऐसा कोई मतलब था नहीं कि भैया काश बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे आसपास हमारी सोसाइटी में मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं था कि कोई 11th 12th के ड्यूरिंग कोचिंग ले रहा है। तो मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं था, तो फिर मम्मी को मैंने बताया ऐसे ऐसा, तो मम्मी ऐसे बोले कि अभी ले ले। तो फिर मैंने 12th में मतलब शुरू का टाइम निकल गया था, लेट ही ज्वाइन करा था मैंने। 12th में मैंने आकाश ज्वाइन करा, फिर मेरे मतलब आकाश बहुत अच्छा है, टीचर्स भी बहुत हेल्पफुल हैं, हर डाउट क्लियर करते हैं। साइना, मैं आपको इतना बता सकती हूँ कि जितनी मम्मी अभी ये प्रोग्राम देख रही होंगी ना, वो सब अपने बच्चों को बोल रही होंगी कि देखो हमारे बोलने पर इन्होंने कर लिया, आप भी कर सकते हैं। तो आपने तो अपनी ड्रीम नहीं, अपने पेरेंट्स की ड्रीम भी फुलफिल करी है। दैट्स अ ग्रेट अचीवमेंट आई थिंक, विदाउट लास्ट मिनट एंट्री एंड यू स्टिल मेड इट, सो दैट्स क्वाइट एन अचीवमेंट। आई फाइनली हैव विथ मी अरविंद ऑल्सो। अरविंद कुमार इज फ्रॉम कुशीनगर इन यूपी। अरविंद कुमार एक्चुअली हैड 8 ट्राइज फॉर नीट अर्लियर, एंड फाइनली 9th अटेम्प्ट में अरविंद यू मैनेज टू क्रैक इट। आपकी स्ट्रगल तो काफी लंबी रही है, बट आई थिंक दिस इज अ स्टोरी ऑफ डिटर्मिनेशन, अ स्टोरी वेर इफ यू रियली वॉन्ट समथिंग यू अचीव इट। हमें बताइए कैसे रहे हैं ये इतनी लंबी स्ट्रगल आपकी नीट के साथ? जी मैम, मैं अरविंद कुमार, जब मैं 12th पास हुआ तो गांव में कुछ लोग पापा को मतलब नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे लोग, तो मेरे पास एक यही अवसर था कि भाई मैं कुछ करूं। तो पापा ने भी, घर वाले ने भी मुझे मतलब एक यही था कि बायो मेरा ग्रुप था और तैयारी के लिए मैं इधर बगल में गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है वहां निकल गया। तो वहां के वहां तो शुरू में गया तो मेरे मार्क्स अच्छे धीरे धीरे बढ़ रहे थे, फिर 3-4 अटेम्प्ट ले लिया तो मार्क थोड़े कम कम बढ़ने लगे, तो दिक्कत होने लगी। तो घर वाले ने बोला कि कुछ और देखो, कोटा चले जाओ। तो मैंने भी कोटा चला गया, और इधर जब 2 साल पहले गया तो इधर भी पहले साल गया तो वहाँ पे भी फैकल्टी अच्छी थी तो पढ़ाई भी अच्छी होने लगी, थोड़ा सा वो रैंक ज्यादा आ गए तो घर वाले भी निराश हो गए, कितना पैसा लगा करके भेजा गया और मुझे निराशा देखा नहीं गया कि ये लोग, क्योंकि इतना पढ़े लिखे थे नहीं। तो फिर से मैंने मौका मांगा एक बार, तो इस बार चला गया तो अच्छा ही मतलब अरविंद, फर्स्ट आपने लगाया कहा अपना। कि आपके गांव वाले आपके पिताजी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, मुझे बताइए विस्तार से क्या हुआ, आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी ये ठेला चलाते हैं, कबाड़ वाला, कबाड़ी का काम करते हैं वो जमशेदपुर में पिताजी। तो कि आगे सोच रहे थे कि आगे ना बढ़ने पाए, तो यही हो सकता है दूसरा। वाओ, वो स्क्रैप्स में डील करते हैं और अब आप उनके घर में एक डॉक्टर है, वो तो मतलब जी बहुत ही बिल्कुल, ज्यादा खुश होंगे इस हाँ पूरी पापा बात मेरे से। बिल्कुल खुश हैं। क्या आपके और भाई बहन हैं, उनके भी हाँ ड्रीम्स मेरे हैं? छोटे भाई हैं, वो पढ़ते जी हैं, वो भी सीटेट वगैरह क्वालिफाइड हैं, वो भी हमारे हमको देख करके भी वो भी पढ़ते हैं कि भाई भैया पढ़ रहे हैं, वो भी पढ़ते हैं अच्छे रैंक लाते हैं वो भी। तो अब जब आपकी ड्रीम रियलाइज होने वाली है, आपको क्या लगता है आगे बढ़ के किस तरह की डॉक्टरी करने की कोशिश करेंगे आप? क्या वापस आके अपने गांव में काम करना चाहेंगे, बड़े शहर में काम करना चाहेंगे, क्या ड्रीम है? नहीं, जैसे कि अभी MBBS करने के बाद ऑर्थोपेडिक सर्जन का मैंने टारगेट बनाया था कि ये आजकल एक्सीडेंट वगैरह बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो कुछ मतलब इसी फील्ड में जाया जाए तो अच्छा रहेगा। तो यही है कि आगे बस MS का ऑर्थोपेडिक सर्जन बनने हैं, बनना चाहता हूँ।
All right then, Arvind, Anil, Safina, Saina, all your stories are extremely inspiring, and I'm sure what you have done will lay the path for so many others in the country as well. Big, big congratulations to you from NDTV, and good luck with your journey ahead. Thanks so much for speaking with NDTV.